Good morning class. This is our new pharmacology class in which today we will discuss about the last topic of drugs acting on CNS. And the name of topic is anti-Parkinsonian disease drugs. Actually Parkinson's जो disease है जिसको अपन PD से भी characterized करते हैं, actually इसके अंदर क्या हो जाता है कि डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पर्सन के अंदर ट्रिमर्स, रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेशिया, लॉस ऑफ पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस देखने को मिलता है. जैसे ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है ना पर्सन की, तो इसमें हेड में रिजिडिटी आ गई, ट्रम्बलिंग हो रही है. ऐसा ही केसेस उसकी एक्सट्रीमिटीज़, पैरों, हाथों पैरों में देखने को मिल रहा है. ट्रंक जो है वो आगे की तरफ टिल्ट हो गई है, आर्म स्विंगिंग कम हो गया है और नींद भी कम आ रही है. तो ऐसी ये जो प्रॉब्लम है ये पार्किंसोनियन डिजीज़ को इंडिकेट करती हुई प्रॉब्लम है. तो इसके लिए हम जो दवाइयाँ पढ़ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स. तो देखिए पार्किंसोनिज्म क्या है, इट इज़ अ एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर. आपके ब्रेन का मोटर का डिसऑर्डर है जिसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन हो जाता है, इसलिए इसमें डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. ये डेफिशिएंसी होने, जब न्यूरॉन ही डीजेनरेट हो गया तो वो डोपामिन जो है वो जाकर के जुड़ेगा किससे, तो डीजेनरेशन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहाँ पे, इन सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा. ये जो आपका SNPC पार्ट है उसके अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डीजेनरेट हो जाते हैं जिसकी वजह से डोपामिन डेफिशिएंसी हो जाती है. और ऐसा 2% एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर तो देखने को मिलता है, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें 2% केसेस में सब में देखने को मिलता है. और क्लासिकली 70 साल के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉमन हो जाती है. इसमें क्या हो जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है डोपामिनर्जिक इनहिबिटरी न्यूरॉन और एक्साइटेटरी कोलानर्जिक न्यूरॉन के अंदर. हैंस क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने बोला इन पार्किंसोनिज्म देयर इज डोपामिन डेफिशिएंसी, हैंस द बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड एक्साइटेटरी कोलानर्जिक न्यूरॉन्स इज डिस्टर्ब्ड. सो ये डिस्टर्ब्ड हो गया, तो जिसे डिस्टर्ब्ड होते क्योंकि डोपामिनर्जिक तो इनहिबिटरी हो रहा है और कोलानर्जिक की क्या हो रही है, ओवर एक्टिविटी. तो कोलानर्जिक ज़्यादा हो गए, डोपामिनर्जिक कम हो चुके हैं न्यूरॉन्स, तो इसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है. प्लस साथ में और क्या हो जाता है, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जैसे कि मेटोक्लोप्रामिड, फिनोथायाजिन एंड ब्यूटायरोफिनॉन्स जैसी ड्रग्स कैन कॉज पार्किंसोनियन लाइक सिम्टम्स. तो ऐसी डिजीज़ को हम ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म कहते हैं कि कुछ ड्रग्स जो हैं मेटाक्लोप्रामाइड, फिनोथायाजिन और ब्यूटायरोफिनॉन की वजह से भी पार्किंसोनिज्म जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे होते हैं, इस डिजीज़ को अपन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म कहते हैं. अब पार्किंसोनिज्म के मैंने आपको सिम्टम्स बताए हुए, ट्रिमर्स, रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेशिया और लॉस ऑफ पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस. तो देखिए ट्रिमर्स में क्या होता है, रेस्टिंग ट्रिमर्स, पिल रोलिंग मोशन आपके हैंड के अंदर देखने को मिल रहा होता है, सप्रेस्ड बाय एक्टिविटी, एक्टिविटी हैंड सप्रेस्ड बाय एक्टिविटी, एक्टिविटी की वजह से वो जो हैंड है अपना काम अच्छे से कर नहीं रहा होता, उसमें कम कभी सी छूट रही होती है, नींद की प्रॉब्लम हो रही होती है, गायर डिस्टर्बेंसेस यानी पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी के लिखने में, बैलेंस बनाने में, किसी भी तरह काम करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, मूवमेंट में स्लोनेस आ जाती है, रिजिडिटी एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट. पैसिव मूवमेंट के प्रति रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, अकड़ जाता है, रिजिडिटी हो जाती है. ब्रैडीकाइनेशिया स्लो ऑनसेट ऑफ मूवमेंट या पॉसिटी ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट रुक जाता है या धीमे हो रहा होता है मूवमेंट, उसको ब्रैडी मतलब स्लो के लिए लिया जाता है, ब्रैडीकाइनेशिया. तो ट्रिमर्स, गाय डिस्टर्बेंस, रिजिडिटी और ब्रैडीकाइनेशिया देखने को मिलता है. पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट क्या है, भाई देखो ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से बताया हुआ है डायग्राम में. इस डायग्राम में क्या बताया गया, एक्चुअली पहले वाले डायग्राम में बताया गया है कि डोपामिन और एस्टाइलकोलिन दोनों बैलेंस स्टेट में हमारे ब्रेन के अंदर, दूसरी स्टेट में डोपामिन कम हो गया, एस्टाइलकोलिन बढ़ गया है, और तीसरी स्टेट के अंदर बताया गया है कि ड्रग इन्फ्लुएंसिंग डोपामिन इन्फ्लुएंसिंग ड्रग्स दे रहे हैं और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम दे रहे हैं, तो वापस से बैलेंस आ चुका है.
और ये वाली कंडीशन कहाँ चल रही होती है, हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर। तो बेसल गैंग्लिया में डोपामिनर्जिक एक्टिविटी बैलेंस रहती है हमेशा कॉलर्जिक एक्टिविटी से। दूसरा पार्किंसोनिज्म बताया गया है। पार्किंसोनिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ डोपामिन इन रिलेशन टू कॉलर्जिक एक्टिविटी। कॉलर्जिक एक्टिविटी के कंपैरिजन डोपामिन कम हो गया तो कॉलर्जिक बढ़ गई है। इसके अलावा एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जो मैंने अभी नाम बताया था आपको थोड़े समय पहले, फिनोथायाजिन, हेलोप्रिडॉल, मिथाइल डोपा वगैरह, इनसे पार्किंसोनिज्म कॉज हो जाता है। और तीसरा, अगर हम ट्रीटमेंट दे देते हैं फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी की वजह से डोपामिन वापस नॉर्मली रीस्टोर हो जाता है, और एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी मस्कैनिक रिसेप्टर के ऊपर, स्ट्राइटा में मस्कैनिक रिसेप्टर के ऊपर वापस आ जाती है, मतलब कम हो जाती है एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी जो है। सर्जिकली भी हम इसको ठीक कर सकते हैं पैलियोडोटॉमी की का सहारा लेते हुए, या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करवाया जाए, या नॉर्मल ट्रांसप्लांट न्यूरल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी अपन इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में बताया गया है कि कैसे ये अपना एक्शन दिखा रहा है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। अब ये सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का कैसे डीजनरेशन हो रहा है वो दिखाया गया है, कि डार्कली जो पिगमेंटेड एरिया है वो डीजनरेट होता हुआ देखो आपको दिख रहा है। पहले वाले में एकदम नॉर्मल दिख रहा है, दूसरे वाले में देखो डीजनरेट हुआ और डार्क एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसी पिक्चर दिखाई देगी। अब डोपामिन न्यूरोमिलानिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन से, जिस और न्यूस्ट्राइटम के अंदर डोपामिन डिक्रीज हो रहा है। पार्किंसोनिज्म इडियोपैथिक भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म को अपर पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं, जबकि सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जैसे हो सकता है किसी को पोस्ट एनसेफेलाइटिक पार्किंसोनिज्म हो, एनसेफेलाइटिक दिमागी बुखार होता है, या किसी टॉक्सिन्स की वजह से जैसे मैंगनीज कॉपर की पॉइजनिंग वगैरह हो गई हो तब भी हो जाती है डिजीज़, या किसी को डीजेनरेटिव डिजीज़ हुई हो CNS की, जैसे विल्सन्स डिजीज़ या कॉपर की डिजीज़ है विल्सन्स डिजीज़। तीसरी चौथी जो है ड्रग्स जो हम बार बार बोल चुके हैं फिनोथायाजिन वगैरह, इन ड्रग्स की वजह से भी सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म देखने को मिलता है। अब देखिए एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग का क्लासिफिकेशन देखिए। तो क्लासिफिकेशन में हमने पहले स्टार्टिंग के उस डायग्राम में, वो जो सी सॉ झूले वाला डायग्राम था, उसके अंदर बताया गया था ना डोपामिनर्जिक ड्रग्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। या तो डोपामिनर्जिक ड्रग्स दे दो जो डोपामिन को बढ़ा देती हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो ACH को कम कर देती हैं वो दवाइयाँ दे सकते हो। डोपामिनर्जिक प्रिकर्सर फिर फर्दर क्लासिफाई होता है डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन फैसिलिटेटर के अंदर। डोपामिन प्रिकर्सर में लिवोडोपा आती है, डोपामिन एगोनिस्ट में अर्गोट और नॉन अर्गोट आती है। अर्गोट के अंदर ब्रोमोक्रिप्टन, परगोलिडी, लेसुरिडी, D1-D2 एगोनिस्ट होते हैं ये। नॉन अर्गोट के अंदर चलो ठीक है आप चार्ट जो है पढ़ लीजिएगा, मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ। डोपामिन फैसिलिटेटर को ज़रूर आप पढ़ लीजिए, जिसमें अपन एमेटार्डिन पढ़ते हैं ड्रग, एमेटार्डिन ड्रग आती है। इसके अलावा MAO-B इनहिबिटर आता है, ये अपन पढ़ चुके हैं MAO-B इनहिबिटर। इसके अंदर सेलेजिलिन आएगी, COMT इनहिबिटर। COMT क्या है, कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफ़र इनहिबिटर्स होते हैं, जिसके अंदर एंटाकैपोन और टॉलकैपोन आती है। इसके अलावा पेरिफेरल डीकार्बोक्साइलेज इनहिबिटर्स आते हैं, जिसके अंदर कार्बिडोपा और बेंजराजिड ड्रग आ रही हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, एंटीकोलिनर्जिक्स जो कि सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, और दूसरा एंटीहिस्टामिनिक H1 ब्लॉकर्स विद एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी के साथ दिया जाता है। एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर ट्राईहेक्सीफेनिडिल, जिसको अपन बेंजहेक्सोल कहते हैं, दूसरा प्रोक्लेडिन और बाइपैरिडिन ड्रग्स हैं। एंटीहिस्टामिनिक के अंदर ऑर्फेनाड्रिन और प्रोमिथाजिन ड्रग्स आ रही हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा, दो तरह से क्लासिफाई किया, फर्स्ट ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, सेकंड वन ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन कॉलिनर्जिक सिस्टम। फर्स्ट वन में डोपामिन प्रिकर्सर में लिवोडोपा, दूसरा डोपामिन एगोनिस्ट, तीसरा डोपामिन रिलीजिंग ड्रग जैसे कि एमाटिडिन जिसको अपने फैसिलिटेटर बोला है, नेक्स्ट MAO-B इनहिबिटर, नेक्स्ट कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, और लास्ट है पेरिफेरल डीकार्बोक्साइलेज इनहिबिटर। और कॉलर्जिक एंटीकॉलर्जिक में आ रही है सेंट्रली एक्टिंग एंटीकॉलर्जिक ड्रग्स और एंटीहिस्टामिमिक्स विद एंटीकॉलर्जिक एक्टिविटी।
अब देखो एक चीज़ बता दूं कि मेन ये जो अपन ड्रग थेरेपी दे रहे हैं पार्किंसोनिज्म है, उसका मेन एम है कि या तो ये डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं स्ट्राइटम में, या स्ट्राइटम में कॉलर्जिक एक्टिविटी को कम कर देती हैं, या तो डोपामिन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगी या स्ट्राइटम में कॉलर्जिक एक्टिविटी को कम कर देंगी। ये इन ड्रग्स का मेन एम होता है। द मेन एम ऑफ ड्रग थेरेपी इन पार्किंसोनिज्म इज टू आइदर एनहांस डोपामिन एक्टिविटी और रिड्यूस द कॉलर्जिक एक्टिविटी इन द स्ट्राइटम। अब देखिए सबसे पहली सबसे मेन जो ड्रग आ रही है वो लिवोडोपा। मैं आपको लिवोडोपा के बारे में एक चीज़ बता दूं कि भाई देखो मेन ड्रग तो कौन सी है, डोपामिन है, क्योंकि डोपामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, इसका मतलब अपन को डोपामिन ही देनी चाहिए ताकि उसकी डेफिशिएंसी दूर किया जा सके। पर डोपामिन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर यानी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए हम डोपामिन नहीं दे सकते। हम डोपामिन का प्रिकर्सर देते हैं जिसको अपन लिवोडोपा कहते हैं। लिवोडोपा इजीली क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। पर लिवोडोपा के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि लिवोडोपा को जो अपन देंगे जितनी हमें हाई डोज में देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें से केवल 3-5% ही ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाता है, बाकी रिमेनिंग जो है वो तो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्साइलेज एक्टिविटी से डिग्रेड होकर के कई साइड इफेक्ट्स दिखाता है। तो ये भी लिवोडोपा के साथ एक प्रॉब्लम है, तो इसको भी अपन कैसे ओवरकम करेंगे वो अपन पढ़ेंगे। तो हम लिवोडोपा जो कि एक प्रो ड्रग है वो हम देते हैं एंटी पार्किंसोनियन के रूप में। तो मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है डोपामिन का लिवोडोपा, ये खुद इनएक्टिव होता है। 95% अगर अपन ओरल डोज से देंगे तो वो हमारे पेरिफेरल टिश्यू में डीकार्बोक्साइलेट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया केवल 3-5% ही अपने ट्रिपल बी में घुसता है। और पेरिफेरल में कहाँ, जैसे मेनली गट और लीवर के अंदर ये मेटाबोलाइज हो जाता है और वहीं पर ये डीए यानी डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको, इस कमी को दूर करने के लिए हम इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं कार्बिडोपा या बेंसराज़िड के साथ में। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कार्बिडोपा या बेंसराज़िड के साथ में, क्योंकि ये दोनों ड्रग्स क्या हैं, पेरिफेरल डीकार्बोक्साइलेज की इनहिबिटर हैं। तो ये इनहिबिट नहीं होगा तो ये साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा, और अगर ये इनहिबिट हो जाता तो ये क्या साइड इफेक्ट दिखाता है कि ये हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ में आता है, डोपामिन में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर ये डोपामिन या तो CTZ D2 रिसेप्टर पे बाइंड होकर के ब्रेन में ट्रिपल बी के अंदर ब्रेन में नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर देगा, ये हार्ट पे जाएगा तो टैकाइकार्डिया और पैल्पिटेशन कॉज करेगा, और ब्लड वेसल में जाता है तो पॉस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज कर देता है। इसलिए हमारे को इसे कार्बिडोपा या बेंसराज़िड के साथ में मिला करके देना होता है, इस कॉम्बिनेशन में अपन देते हैं। ये वो मैकेनिज्म जो मैं आपको बोल करके बता रही हूँ कि लिवोडोपा जो है अगर आपने दी तो केवल 3-5% ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर रही है, आपको दिखाई दे रहा है, फिर डोपा डीकार्बोक्साइलेज से डोपामिन में कन्वर्ट हो रही है, ये D2 रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट कर रही है हमारे बेसल गैंग्लिया में, और फिर जो पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स है उसमें रिलीव कर देती है अगर ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर गई। और अगर ये क्रॉस नहीं करती है तो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्साइलेज के द्वारा डोपामिन में कन्वर्ट होती है, जो CTZ D2 रिसेप्टर पे बाइंड होकर नोजिया वॉमिटिंग कॉज करते हैं, हार्ट पे बाइंड होकर के टैकाइकार्डिया पाल्पिटेशन कॉज करती है, और ब्लड वेसल पे बाइंड होकर के पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज करती है। ये सारी पेरिफेरल के इसके रिस्पॉन्स है, इसलिए हम इसको किस में मिलाकर देते हैं, कार्बिडोपा बेंसराज़िड, जो कि पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्साइलेज की एक्टिविटी को तोड़ देता है। ये मैकेनिज्म है, डायग्राम आपको बनाना है अगर ये टॉपिक आपके आता है तो। तो लिवोडोपा यूजुअली जो है कार्बिडोपा के साथ में कंबाइंड हो जाती है, ये आपको दिखाया गया है, जो कि पेरिफेरल डीकार्बोक्साइलेशन को रोक रही है, इसलिए लिवोडोपा ब्रेन तक ज़्यादा पहुंच पाती है और डोपामिन में कन्वर्ट हो पाती है। इस डायग्राम में ये काफ़ी अच्छा बताया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन के एडवांटेज क्या हैं कि लिवोडोपा हमें कम डोज में देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले मैंने बोला ना ज़्यादा डोज में आपको देनी पड़ती है, 75% तक कम डोज में देनी पड़ेगी अगर हमने ये कार्बिडोपा के साथ में मिला करके दी, और इफ़ेक्ट भी लिवोडोपा का बढ़ जाता है। दूसरा, लिवोडोपा की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। तीसरा, साइड इफ़ेक्ट भी इसका कम होता है पेरिफ्राई के अंदर, वाइटामिन B6 का इंटरेक्शन भी इसमें नहीं हो पाता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, कॉम्बिनेशन के फ़ायदे हैं ये, ठीक है। इसके अलावा GI के साइड इफ़ेक्ट जैसे नोजिया वॉमिटिंग के इंसिडेंस भी कम हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर साइड इफ़ेक्ट टैकाइकार्डिया हाइपोटेंशन कार्डियक एरिथमिया भी कम हो जाता है, बेटर पेशेंट कंप्लायंस देखने को मिलता है। सो लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर अवेलेबल एज अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, जिसको अपन साइनमेट कहते हैं, एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली।
नाउ द फार्मेकोकाइनेटिक्स ऑफ लिवोडोपा, इसका एब्जॉर्प्शन ओरली हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फूड के प्रेजेंस में ये थोड़ा सा कम हो जाता है, स्पेशली अगर अमाइनो एसिड के प्रेजेंस में आप ले रहे हो तो ये कम हो जाता है, इसलिए हमारे को इसको खाली पेट लेना चाहिए या खाना खाने से आधी एक घंटा पहले इस दवाई को लेना चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है क्योंकि अमाइनो एसिड का अगर फूड आपके पेट में प्रेजेंट है तो वो इसके एब्जॉर्प्शन को कम करा देगा, अवेलेबिलिटी को कम करवा देगा, इसलिए मैंने लिखा है देखो आधी एक घंटा पहले लो। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिपल बी को ये क्रॉस करता है, सीएनएस डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। प्लाज्मा हाफ लाइफ 1 से 2 घंटे की है इसकी। ये मेटाबॉलिज्म इसमें कैसे हो रहा है आप खुद देख लीजिएगा, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसका जीआई म्यूकोसा और लीवर में, और ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होता है। इसका फार्मेको डायनामिक्स क्या है देखो, सबसे पहले सीएनएस के ऊपर, मतलब ये क्या क्या इफेक्ट दिखा रहा है। तो ये सीएनएस के ऊपर अपना इफेक्ट दिखा रहा है, सीवीएस पे दिखा रहा है। सीएनएस पे ये मार्क्ड सिम्प्टोमैटिक इम्प्रूवमेंट कर देता है पार्किंसोनियन पेशेंट के अंदर, और बिहेवियर पर भी इफेक्ट पड़ता है, जनरली अलर्ट रिस्पॉन्स देता है कि वो पर्सन अलर्ट हो जाता है, ऐसा सुस्ता पड़ा रहता है पर इस दवाई से वो अलर्ट हो जाएगा। सीवीएस पे आइनोट्रॉपिक एक्शन दिखाता है, पेरिफेरल जो डोपामिन फॉर्म्ड हुआ है उसकी वजह से टैकाइकार्डिया हो जाएगा, बीटा एडरेनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर ये टैकाइकार्डिया कॉज कर देता है, और डीएएनएफ जो है वो ब्रेन के अंदर बनेगा, सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो को ये कम कर देगा जिससे कि पोस्चुरल हाइपोटेंशन ये कॉज कर देता है। तो सीएनएस के ऊपर पार्किंसोनियम को ठीक कर रहा है, जबकि सीवीएस के ऊपर ये तो क्या कॉज कर रहा है, टैकाइकार्डिया और पोस्चुरल हाइपोटेंशन। CTZ के ऊपर, क्योंकि मैंने बताया ना CTZ रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुआ था, नोसिया वॉमिटिंग कॉइज की थी, उस डायग्राम में भी था आपके मैकेनिज्म वाले में। तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं वहाँ पर DA एक्ट करता है एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर के रूप में, और पेरिफेरल जो DA बना है गेन्स एक्सेस टू द CTZ एलिसिट्स नोसिया एंड वॉमिटिंग, नोसिया वॉमिटिंग कॉज करेगा। एंडोक्राइन एक्शन पे पिट्यूटरी मेमोट्रॉप्स के ऊपर ये एक्ट करता है, प्रोलैक्टिन के रिलीज को ये बंद कर देता है। तो ये एक्शन है। इसके अलावा भी कुछ और, जैसे ये एबनॉर्मल मूवमेंट डाइकाइनेशिया ट्रिमर्स कॉज करता है, टेस्ट सेंसेशन को अल्टर कर देता है, मेंटल चेंजेस में इंसोमनिया कन्फ्यूजन यूफोरिया डिप्रेशन एंग्जाइटी हेल्यूसिनेशन नाइटमेयर्स रात को बुरे सपने आना, इस तरह की कंडीशन होता है। और दूसरा फ्लक्चुएशन इन रिस्पॉन्स भी इसमें देखने को मिलता है, जो अपन आगे देख लेंगे। इसका यूजेस ऑब्वियस है पार्किंसंस डिजीज़ में किया जाता है, लिवोडोपा जो है वो पार्किंसन डिजीज़ के सभी साइन एंड सिम्टम को कम कर देता है, बट इट डज नॉट स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। साइन सिम्टम हालांकि कम हो रहे हैं पर डिजीज़ का प्रोग्रेशन नहीं रुकता, डिजीज़ लगातार प्रोग्रेस होती रहेगी और इसी वजह से फ्लक्चुएशन इन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट थेरेपी जब आप इनिशिएट करोगे तो सबसे पहले CNS मैनिफेस्टेशन में पर्सन यूफोरिया खुशी हो रही होती है उससे, फिर एंग्जाइटी सर घूमना रात को नींद नहीं आना, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है जिससे कन्फ्यूज़न रहने लगा, डेल्यूजन हो जाएगा, हेल्यूसिनेशन होने लगता है। दूसरा डाइकाइनेशिया जिसमें एबनॉर्मल इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट देखने को मिलता है, डोज रिडक्शन से जुड़ी हुई कंडीशन है ये। GIT के अंदर आप देखोगे तो भूख नहीं लगेगी, नोजिया वॉमिटिंग हो जाएगी क्योंकि ये D2 रिसेप्टर को CTZ में स्टिमुलेट कर रहा है। टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है इसके एडवर्स इफेक्ट के रूप में, पर नोजिया वॉमिटिंग तो परसिस्ट ही रहती है। एंटी एमिटिक उस केस में अपने को देना पड़ेगा, अगर पर्सन को लगातार नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो डोमपेरिडोन आप दे सकते हो। D2 एंटागोनिस्ट है जो कि BBB को पास नहीं करता। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन और पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर भी कॉज कर देगा, कब्ज रहने लगेगी और पेप्टिक अल्सर में से खून निकलने लगेगा, ये प्रॉब्लम्स भी इसमें देखने को मिलती है। CVS मैनिफेस्टेशन पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्योंकि ये सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो को कम करता है, टैकाइकार्डिया क्योंकि डायरेक्ट B1 स्टिमुलेशन कर रहा है, और लास्ट हाइपरटेंशन अकर्स विद लार्ज डोजेस, अगर आपने बहुत लार्ज डोज दिए तो हाइपरटेंशन होगा, नहीं तो नहीं होता, आप जानते हैं कि ये तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज करता है, अगर लार्ज डोज हो जाए तो शायद हाइपरटेंशन भी हो जाए,
या नॉन सेलेक्टिव एमओ इनहिबिटर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है। अदर्स में मैंने बताया स्मेल और टेस्ट का सेंसेशन बदल जाता है, फेशियल टिक्स जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये थेरेपी ले रहे हो तो वियरिंग ऑफ फिनोमिनन, जिसको मैंने आपको कहा था फ्लक्चुएशन इन रिस्पॉन्स, मैं आगे पढ़ाऊंगी, वो फ्लक्चुएशन रिस्पॉन्स यही है, वियरिंग ऑफ फिनोमिनन इसको कहते हैं। अगर आप 3 से 5 साल तक लगातार ये थेरेपी ले रहे होते हो तो प्रोग्रेसिंग डिजीज़ के साथ साथ में इसका कंट्रोल जो है वो दवाई का पुअर हो जाता है और सिम्टम में फ्लक्चुएशन आने लग जाते हैं फ्रीक्वेंटली, कि क्या हो जाता है बेनिफिशियल इफेक्ट का ड्यूरेशन कम हो जाता है, जैसे जैसे थेरेपी प्रोग्रेस हो रही होती है डिजीज़ का कंट्रोल पुअर हो जाता है, जिससे कि सिम्टम फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, क्योंकि डोपा जो है उसका इंटरेक्शन H2O2 साथ में होने लग जाता है, जिससे कि टॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनने लग जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं हमारे डिस्ट्रॉय कर देते हैं डोपामिन स्टोरेज वेसिकल्स को, तो फिर फ़ायदा ही नहीं हो पाता उस ड्रग का, क्योंकि उसके वेसिकल्स जिसमें वो डोपामिन स्टोर हुई थी वो वेसिकल्स मरने लग जाते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। अब इस कंडीशन में जब ऐसा हो रहा है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं किस तरह से, दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग सेलेक्टिव MAO-B इनहिबिटर एज सेलेजिलिन, अगर अपन मिलाएं, या आप कहिए सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मूलेशन, आप कार्बिडोपा लेवोडोपा का जो है स्टेबल प्लाज्मा लेवोडोपा को ज़्यादा कर देता है, उसके लेवल को ज़्यादा कर देता है और फ्लक्चुएशन को रोकने में हेल्पफुल ये होता है, ऐसी इसकी खासियत है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग थेरेपी में ये देखने को मिल रहा होता है, तो अपन सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन से भी इसको ठीक कर सकते हैं, इस कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरा है ऑन ऑफ फिनोमिनन, जो कि डोपामिन का CNS में लेवल अगर वेरी कर रहा होता है तो ये देखने को मिल रहा होता है ऑन ऑफ फिनोमिना। ऑन के अंदर तो पेशेंट नॉर्मल मोबिलिटी को एंजॉय कर रहा होता है, अच्छे से चलना फिरना हिलना डुलना सारे काम कर रहा है, पर ऑफ स्टेट के अंदर ड्रग्स के बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, जैसे पेशेंट अनेबल टू रेज फ्रॉम चेयर से उठ ही नहीं पाता, जिसपे वो कई कुछ मिनट पहले आकर के बैठा था, अब वो उठना चाह रहा था वो उठ नहीं पा रहा है, तो ऐसी ऑफ स्टेट आ जाती है उसके अंदर, प्लाज्मा लेवल में फ्लक्चुएशन हो जाता है क्योंकि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, तब ये देखने को मिल रहा होता है। इसके ट्रीटमेंट में मैंने कहा सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन आप दे सकते हो, लिवोडोपा कार्बिडोपा का COMT इनहिबिटर दे सकते हो, या लिवोडोपा को फ्रीक्वेंटली आप एडमिनिस्टर करो तो इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। इंटरेक्शन लिवोडोपा का किस किस के साथ में हो सकता है, MAO इनहिबिटर के साथ में हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए, विटामिन B6 के साथ में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, थेरापेटिक फेलियर केस में दिया जाता है, ब्लॉक डोपामिन इफेक्ट दिखाता है फिनोथायाजिन रिजर्पिन के साथ में, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ में लिवोडोपा का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ये इंट्रैक्शन है, ये किस किस के साथ में क्या क्या कर रहा होता है। MAO इनहिबिटर जो नॉन सेलेक्टिव MAO इनहिबिटर हैं, सेलेक्टिव के साथ में तो फ़ायदा दे रहा है, MAO अगर नॉन सेलेक्टिव तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, B6 के साथ में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, थेरापेटिक फेलियर हो जाता है, कोई काम की नहीं रह जाएगी वो थेरेपी, इसलिए B6 के साथ नहीं दिया था। कॉन्ट्राइंडिकेशन साइकोसिस के पेशेंट को नहीं देना चाहिए, नैरो एंगल का ग्लूकोमा किसी को हुआ है तो नहीं देना चाहिए, और मिलेनोमा किसी को है तो नहीं देना चाहिए। दूसरी ड्रग है कार्बिडोपा, पेरिफेरल डीकार्बोक्साइलेशन को कम कर देती है लिवोडोपा के, BBB को क्रॉस नहीं कर पाती, करंटली ये कॉम्बिनेशन में ही आ रही है लिवोडोपा कार्बिडोपा या लिवोडोपा बेंसेरासिड की कॉम्बिनेशन 4:1, 4:1 या 10:1। फ़ायदे क्या हैं, डोपामिन के टूटने को ये रोक रहा होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है डोपामिन, बढ़ा देता है ये, इसलिए लिवोडोपा जो है 75% तक कम आपको इसकी डोज लेनी पड़ेगी, क्योंकि आराम से क्रॉस हो रहा है, उसकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है लिवोडोपा की, सिस्टमिक कंसंट्रेशन डोपामिन की कम हो जाती है, इसलिए GI साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी कम होती हैं, और बेटर पेशेंट कंप्लायंस मैंने आपको पहले ही बताया था। डोपामिन एगोनिस्ट जो है ऑल्टरनेट हैं लिवोडोपा के,
ये स्ट्राइटल डोपामिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं एडवांस्ड पेशेंट्स के अंदर भी, और इसमें कोई एंजाइमेटिक कन्वर्जन की हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ब्रोमक्रिप्टिन आप दे सकते हो, ये अर्गोट डेरिवेटिव है, इसमें कोई एंजाइमेटिक कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है एक्टिव मेटाबोलाइट्स के लिए। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है लिवोडोपा के कंपेरिजन में, और ये मोटर कॉम्प्लिकेशन को भी रोकते हैं। पार्शल D1 एगोनिस्ट और स्ट्रॉन्ग D2 एगोनिस्ट की दो इसकी मैकेनिज्म है। यूजेस पार्किंसोनियन में दे सकते हो, अकेली दवाई दे सकते हो, किसी के साथ देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हो सकता है लिवोडोपा के साथ दे दीजिए। ये कंट्रोल करता है वियरिंग ऑफ डोज और ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन, जो हमने पढ़ लिया वियरिंग ऑफ डोज क्या है, ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लैक्टेशन को सप्रेस करना है तो एस्ट्रोजन से ज़्यादा सेफ ये दवाई मानी जाती है। लैक्टेशन को अगर आपको सप्रेस करना है, एक्रोमिगैली किसी के अंदर हो गया और ACTH डिपेंडेंट ट्यूमर किसी के अंदर बन रहा है तो ये दवाई दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में हेल्यूसिनेशन, कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग रहने लगती है। किसी को पेप्टिक अल्सर है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या मेंटल इलनेस है, उसके अंदर अपन ये मेडिसिन नहीं देते। परगोलाइड देखिए, ये अर्गोट के डेरिवेटिव्स हैं। मैकेनिज्म इसकी D1 D2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये रैपिडली अगर अपन ओरली देंगे तो ये एब्जॉर्ब हो जाती है, लीवर में मेटाबोलाइज होती है, 50% इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती है। इडियोपैथिक इसको पार्किंसोनियन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आप काम में ले सकते हो। एडवर्स इफेक्ट में डिस्पेप्सिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हैल्यूसिनेशन होता है। इंटरेक्शन CYP1A2 के साथ में इसका इंटरेक्शन होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह इसके इनहिबिटर हैं। नेक्स्ट ड्रग है रोपिनिरोल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी सिलेक्टिव D2 रिसेप्टर पर ही अपनी सिलेक्टिविटी रख रही होती है और D1 के लिए कोई खास एक्टिविटी इसकी नहीं होती। फार्माकोकाइनेटिक्स रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाएगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी मैक्सिमम है, जनरली 1 से 2 घंटे में इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है अगर आप ओरल इसको दे रहे हो तो। 50% बायो अवेलेबिलिटी होती है, बाकी इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, लीवर में मेटाबोलाइज होती है। 10% ये बिना चेंज हुए यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है, 10% या उससे भी कम। थेरापेटिक यूज़ इडियोपैथिक पार्किंसोनियन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या अर्ली या एडवांस पार्किंसोनियन डिजीज़ को भी ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट डिस्पेप्सिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेल्यूसिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है प्रामिपेक्सोल। ये नॉन अर्गोट डेरिवेटिव डोपामिन एगोनिस्ट है। ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक डोपामिन के साथ D2-D3 रिसेप्टर पर बाइंड हो रही है, डोपामिन के रिसेप्टर पर बाइंड हो रही है, पर D3 रिसेप्टर सब टाइप के साथ में इसकी हाईली बाइंडिंग एफिनिटी होती है। मैकेनिज्म, क्योंकि प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक पर बाइंड हो रही है तो उसको स्टिमुलेट करेगी इन रिसेप्टर्स को। मोनोथेरेपी अर्ली PD में जो दी जाती है उसके अंदर काफ़ी अच्छी मानी जाती है ये ड्रग, और लिवोडोपा के साथ में एडजंक्ट के रूप में, मतलब उसके साथ देने वाली ड्रग है पेशेंट्स जिनको एडवांस्ड PD हुई है। एडवर्सली नोजिया, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन और हेल्यूसिनेशन कॉज करेगा। जिन पेशेंट्स में एडवांस डिसीज़ है उसमें मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इसके ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है। ऑर्थोस्टैटिक नाम से पता चल रहा है बोन से रिलेटेड है ये। ड्रग इंटरैक्शंस वेरापामिल वगैरह ड्रग्स आप देख लीजिएगा, इनके साथ इसका इंटरेक्शन है जो कि इसकी ओरल क्लियरेंस को कम कर देते हैं। डिक्रीज द ओरल क्लियरेंस ऑफ प्रामिपेक्सोल बाय 20%। ये ड्रग्स इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगी। नेक्स्ट है MAOB इनहिबिटर। दो अलग अलग टाइप्स के आइसो एंजाइम्स MAO जो हैं वो पाए जा रहे होते हैं, MAOA और MAOB। बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। ब्रेन में डोपामिन के मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सेलाजिलिन ड्रग आती है, सिलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ये MAOB की। दूसरी ड्रग कौन सी है इसके अंदर, रेसाजिलिन है। इसके फ़ायदे क्या हैं, टी हाफ लाइफ बढ़ जाती है, एंडोजिनस प्रोड्यूस डोपामिन की, एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट दिखाता है डोपामिन का, उसको बढ़ा देता है, ऑन ऑफ वियरिंग ऑफ फिनोमिना को घटा देता है। डोपामिन की एंटी पार्किंसोनिज्म इफेक्ट को बढ़ा रहा है और ऑन ऑफ वियरिंग ऑफ फिनोमिना को कम कर देता है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये एक्ट कर रही है आप देख सकते हो, जो पहले मैंने पढ़ाया था उसके जैसा सही है, आप पढ़ लीजिएगा।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन दोनों का दिया हुआ है कि सेलेजिलिन जो होती है वो डोपामिन के ब्रेकडाउन को कम करती है सीएनएस के अंदर, प्री सिनेप्टिक डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, डोपामिन री अपटेक को स्नैप से रोक देती है, लीवर में एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है, तो दो मेटाबोलाइट्स इसके बन रहे हैं जिनसे जो कि एम्फिटामिन कहला रहे होते हैं, एक साथ एडवर्स इफेक्ट पोस्टुलर हाइपोटेंशन कन्फ्यूजन और साइकोसिस हो जाता है। इंट्रैक्शन बताया गया ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेसेंट पैथिडिन और SSRI, हमने शायद अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, कल वाली क्लास के अंदर ही SSRI पता है ये आपको। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेशेंट्स जिनको कन्वल्सिव डिसऑर्डर होता है उनके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, भाई दौरे जिनको पड़ रहे हैं उनको ये दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या चीज़ है भाई, ट्राईसाइक्लिक वगैरह ये सब के सब एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, उनके साथ नहीं देनी चाहिए, ध्यान रख लेना। SSRI क्या चीज़ थी बताइए, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनके साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। फ़ायदा क्या है भाई, ज़्यादा पोटेंट है ये सेलाजिलिन के कंपैरिजन में, लॉन्गर एक्टिंग है रेसाजिलिन जो है, रेसाजिलिन सेलाजिलिन के कंपैरिजन में ज़्यादा पोटेंट है, न्यूअर सेलेक्टिव MAOB इनहिबिटर है, लॉन्गर एक्टिंग होती है, एम्फिटामिन में ये मेटाबोलाइज नहीं होती, एक्साइटरी साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं दिखाई देते, इसलिए ज़्यादा अच्छी मान जाती है। फिर ये भी इसका मैकेनिज़्म देख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिएगा ये मैकेनिज़्म। नेक्स्ट है एंटाकापोन ड्रग, ये क्या है, ये रिवर्सिबल COMT इनहिबिटर है, पेरिफ्रल एक्शन दिखाती है केवल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटाकापामोन जो है सिलेक्टिव और रिवर्सिबल इनहिबिटर है COMT की, एडवर्स में डाइकाइनेसिस यानी स्लो मूवमेंट, नोजिया, डायरिया, पेट में दर्द और यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, डिसकलरेशन गायब हो जाता है कलर, लिवोडोपा के साइड इफ़ेक्ट को ये बढ़ा देती है, ये इसकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टोलकापोन सिलेक्टिव और रिवर्सिबल इनहिबिटर है COMT का, ये पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों एक्शन दिखाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ओकेजनली हिपेटोटॉक्सिटी ये कॉज करती थी, लीवर के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट डोपामिन फैसिलिटेटर अपन ड्रग, जिसमें एमांटाडिन मैंने आपको बताई थी, इसको अपन डोपामिन रिलीजिंग ड्रग भी कहते हैं। एमांटाडिन जो है ये एक एंटीवायरल एजेंट के रूप में इंट्रोड्यूस की गई थी, पर ये इन्फ्लुएंजा A2 वायरस के अगेंस्ट में काफ़ी इफेक्टिव है और पार्किंसोनिज्म डिजीज़ के अंदर भी दी जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिकली अपना एक्शन दिखाती है। प्री सिनेप्टिक के अंदर ये स्टोर्ड कैटेकोलामाइन के रिलीज को बढ़ा देती है डोपामिनर्जिक टर्मिनल से, और कैटेकोलामाइन के रीअपटेक को ये रोक देती है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पर, जबकि पोस्ट सिनेप्टिकली ये DA रिसेप्टर को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देती है और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन दिखाती है, NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो मोनोथेरेपी के माइल्डर केसेस हैं उनमें अपन ये दवाई दे सकते हैं, लिवोडोपा के सप्लीमेंट के रूप में आप एडवांस केसेस में इसको दे सकते हो। ये मोटर फ्लक्चुएशन को सप्रेस करती है, एबनॉर्मल मूवमेंट को सप्रेस कर देती है, साइड इफ़ेक्ट नींद नहीं आती, इसकी वजह से डिजीनेस रहने लगता है, कन्फ्यूजन रहने लगता है, रात को बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक, भाई अब हमने जो डोपामिनर्जिक पढ़ी थी ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं ड्रग्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, इसमें दे आर द ओनली ड्रग्स इफेक्टिव इन ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। जनरल पार्किंसोनिज्म हम ये दवाइयाँ नहीं देते, हम जो ड्रग की वजह से सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म हुआ था उसके अंदर हम ये दवाइयाँ दे रहे होते हैं। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स ये एंटी मस्कारिनिक एजेंट्स होते हैं जो कि ट्रिमर और रिजिडिटी को इम्प्रूव करते हैं, पर ब्रैडीकाइनेशिया के ऊपर बहुत कम इनका असर होता है। इनका यूज़ इएट्रोजेनिक पार्किंसोनिज्म में होता है जो कि एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग इंड्यूस्ड है ये डिसीज़। दूसरा इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म, जिसमें अपन माइल्ड से मॉडरेट जो सिम्टम्स हैं PD के उसको मैनेज करने के लिए काम में ले रहे होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, मेन एक्शन सेंट्रली इसका मेन एक्शन है और पेरिफेरल एक्शन इसका काफ़ी कम होता है। ये काफ़ी चीप है और बेटर टॉलरेटेड है लिवोडोपा कंपैरिजन में। एडवर्स इफेक्ट में मुंह सूखने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है और पर्सन को ड्रॉजीनेस हो जाता है। इसके अंदर हम
नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, सेंट्रली एक्टिंग तो हो गई, तो दूसरी है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, जिसमें अपन को पढ़नी है और फेनाड्रिन और प्रोमिथासन, दो ड्रग्स आ रही हैं इसके अंदर मेनली। ये H1 ब्लॉकर्स हैं, एडिशन एंटी मस्कैनिक एक्शन भी दिखाती है एस्टाइल कोलिन के ऊपर। प्रोमिथासन जो है वो ट्रिमर्स, रिजिडिटी और साइलोरिया को कम करती हैं। साइलोरिया तो पता होएगा आपको, साइलोरिया तो आप जानते हैं, हाइपर सलाइवेशन को कहते हैं साइलोरिया। अब ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में क्या हो जाता है कि डोपा स्ट्राइटम के अंदर डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। डोपामिन की इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही, एक्चुअली डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक हो रहे हैं इस डिजीज़ के अंदर। जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स आप हेलोपेरिडॉल या फिनोथायाजिन ले रहे हो, तो ये D2 ब्लॉकर्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म हो जाता है। रेजरपाइन डोपामिन डिप्लीशन एजेंट है। मेटोक्लोप्रामाइड BBB को क्रॉस करके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, तो ये रिसेप्टर को एक्चुअली ब्लॉक कर रही हैं। MPTP फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये MAO-B मेटाबोलाइज करके न्यूरोटॉक्सिन बन जाता है ये हमारे लिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर डोपा सी जो है H2O2 के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, फ्री रेडिकल बनाता है जो कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को डीजेनरेट कर देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म है ये इसकी। क्लासिफाई एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स, ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आप करिए। मुझे इस क्लास के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख करके मेरे को भेजेंगे, आप अपने CR को जो है वो व्हाट्सअप कर दीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर। आपकी ओन हैंडराइटिंग के अंदर मुझे आपके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ओन हैंडराइटिंग में। उस एक आप कॉपी बना लीजिए अलग से, फार्मेकोलॉजी की कॉपी बना लीजिए, जिसमें आप अपने जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स देती हूँ वो आपको करके रखने हैं, और आप मेरे को वो असाइनमेंट जो है वो व्हाट्सअप करेंगे। उन असाइनमेंट्स के अंदर जो है आपको जो भी मैं आपको बोलती हूँ आपको ना केवल मुझे मेल करना है, इवन जब भी आपके कॉलेज खुलते हैं तो मैं आपकी क्लासेस के अंदर भी वो कॉपी जो है आपकी वो चेक करूँगी, तो आप मुझे वो कॉपी दिखाएंगे, तो आप अपनी कॉपी संभाल करके रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पेज इधर उधर हो रहे हैं और फिर आप बाद में कहें मैम पता नहीं हमारी चीज़ कहाँ चली गई। तो अभी तो आप मुझको ऑनलाइन ये चीज़ें चेक करवाएंगे, अपने क्वेश्चंस लिखिए और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए मैं ये सॉल्व करिए, और मेरे को इसका जो आउटपुट है वो भेजिए। आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मेरे को सेंड करिए। तो यहाँ पर आपके एंटी पार्किंसोनियन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा टॉपिक अपन और देख रहे हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़। ये आपका लास्ट टॉपिक है एक्चुअली CNS का, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये डिमेंशिया का, उम्र के साथ होने वाला डिमेंशिया का सबसे प्रेवलेंट कॉज है, कि जो उम्र के साथ में याददाश्त चली जाती है वो बीमारी अल्जाइमर डिसीज़ है। डिमेंशिया भी याददाश्त चली जानी है, अल्जाइमर भी याददाश्त का चला जाना या याददाश्त का कमज़ोर हो जाना जो उम्र के साथ हो रही होती है वो अल्जाइमर डिसीज़ है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे ब्रेन के एरियाज़ वगैरह हैं, बॉडी के एरियाज़ हैं जैसे कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल एरियाज़, इनमें एट्रॉफी हो जाती है। एट्रॉफी क्या चीज़ है? सेल का साइज़ कम हो जाना। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन वहाँ पे डिपॉजिट होकर के प्लाग बना लेता है, और ए बीटा जो है उसका एक्यूमुलेशन होने से इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहाँ आ जाते हैं, IL-1 IL-6 वगैरह, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 वगैरह वहाँ आ जाते हैं, और फाइनली वहाँ पर एपोप्टोसिस कॉज कर देते हैं। एपोप्टोसिस क्या चीज़ है? नेचुरल सेल डेथ है एपोप्टोसिस। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आपका जो कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल एरियाज़ है वहाँ पर एट्रॉफी वगैरह हो जाती है, और वो सेल जो है वो या वो एरिया जो है वो कम हो जाता है, तो इसे अल्जाइमर डिसीज़ कहते हैं। इसकी फार्माकोथेरेपी क्या है? इनमें ड्रग्स जो हैं प्रोवाइड किया जाती है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, बट पुअरली इफेक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। ये डिजीज़ के प्रोग्रेशन को नहीं रोकती हैं पर सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देती है, जैसा अपन ने PD के अंदर भी पढ़ा, पार्किंसोनियन डिजीज़ के अंदर भी। एडवांटेज क्या है इस ड्रग ट्रीटमेंट का? कि ये बीटा अमाइलॉयड प्रोडक्शन को कम कर देती है, यानी ए बीटा को कम कर रही हैं। दूसरा, ए बीटा का एग्रीगेशन नहीं होने देती हैं और ए बीटा के क्लियरेंस को प्रमोट करती हैं इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं। अल्जाइमर डिजीज़ की ड्रग्स में कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स अपन देते हैं, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। NMDA एंटागोनिस्ट में मेमेंटाइन आता है, जबकि कॉलिनेस्ट्रेज में डॉनपेज़ल, राइवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन और टैक्रिन आती हैं।
इसके अलावा मिसलिनियस ड्रग्स में एसिटाइल एल कार्निटिन अपन दे सकते हैं। मेमेंटाइन जो है ये एन मिथाइल डी एस्पार्टेट NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, मोनोथेरेपी के रूप में अपन काम में लेते हैं, पर कॉम्बिनेशन भी अपन ले सकते हैं डॉनपाजिल के साथ में मिला करके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका थेरापेटिक इफेक्ट है, ये NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं और एक्साइटोटॉक्सिटी को ये रोकती हैं, एक्साइटोटॉक्सिटी को रोक रही हैं ये ओरल देने पर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी इसकी 90% है, यानी बहुत अच्छी है ड्रग। हाफ लाइफ 60 से 80 घंटे, इतने लंबे समय तक ये आपकी बॉडी पर असर दिखाएगी। और एडवर्स इफेक्ट के रूप में एजिटेशन होने लग जाता है, नींद नहीं आती, हैलुसिनेशन, ब्रोंकियाई का इन्फ्लामेशन हो जाता है, पर्सन में डिप्रेशन होने लग जाता है। थेरापेटिक यूज़ पर्सन को माइल्ड से लेकर मॉडरेट डिमेंशिया हुआ है तो ये दवाई अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट एसिटाइल एल एटायनिन के अंदर अपन क्या करते हैं, ये एक इंट्रासेलुलर कैरियर है एसिटाइल ग्रुप का, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिलीज को प्रमोट करता है, प्लस कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट भी है ये, पर हम इसको रिकमेंड नहीं करते रूटीन यूज़ में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपन इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। बस इसके साथ आपका अल्जाइमर डिसीज़ नाम का टॉपिक भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इतना ही है ये टॉपिक आपके, हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया वो असाइनमेंट अपना कंप्लीट करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी।